अभी कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है। क्या आपने कभी गौर किया इस संसार में हर आदमी अलग क्यों है? किसी की भी साइकोलॉजी सेम क्यों नहीं होती? आज की हमारी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी साइकोलॉजी इन 8 बिलियन में शायद ही किसी से मिलती हो। तो आइए, मैं कनिका बंसल अपने पॉडकास्ट कुछ तो बात है में आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपने हाल ही में सुनी होगी। कहानी का नाम है तुम सिर्फ मेरी हो और लिखा है शैलब बंसल ने। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप मुझे कोई ना कोई पहचान देनी शुरू कर देंगे। मुझे आप आशिक भी बुला सकते हैं, पागल भी, या फिर दोनों। शायद मैं ऐसा नहीं था और अगर होऊंगा भी तो मुझे कभी पता नहीं चला। कई बार वक्त बताता है कि आप कैसे हैं और मैंने भी बस उन 7 दिनों में पहचाना कि मैं असल में कैसा हूं। आप सोचेंगे कि पिछले 35 साल में जो अपने बारे में नहीं जान पाया वो 4 दिनों में कैसे जान गया। वैसे आज से 7 साल पहले मैं ये तो जान गया था कि मुझसे बड़ा आशिक और कोई नहीं है, सुनीता। जी हाँ, सुनीता के प्यार में मैं पागल था। उसको पाना मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद था। मुझे पता था कि सुनीता मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना मैं करता हूँ, पर फिर भी मुझे सुनीता ही चाहिए थी। उसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। कुछ भी मतलब कुछ भी। राहुल से उसका बात करना मैं सहन कर लेता था, पर ये आजकल के जमाने में हग करके गाल से गाल मिलाना, ये क्या होता है? भला ये दोस्तों से कैसे मिला जाता है? खून नहीं खौलता? मेरी सुनीता को सिर्फ मैं ही हाथ लगा सकता था, सिर्फ मैं ही उसे छू सकता था। मन तो करता था राहुल के 100 टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूं, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि ऑफिस ने उसे USA भेज दिया। अब मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में मेरे अलावा सुनीता का और कोई नहीं था जिससे वो मन की बातें करती, जिसके साथ वो लंच करती थी। वो मजाक में कहती थी कि अगर कोई नहीं मिलेगा ना तो तुझसे ही शादी कर लूंगी, और मैं कहता था कि अगर तू नहीं मिली तो किसी से भी शादी नहीं करूंगा। उसका मजाक और मेरे प्यार को सच होने में 2 साल लग गए और आखिर हमने शादी कर ही ली। मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया, चाहे उसके लिए मुझे अपने घर वालों से अलग ही क्यों ना होना पड़ा हो। अब हम अपने 2 BHK फ्लैट में बहुत खुश थे। दुनिया तो हमारे लिए कुछ थी ही नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया सिर्फ हम दोनों ही थे। ये दुनिया सिर्फ हमारी ही रहती अगर राहुल USA से वापस नहीं आता। अरे आ गया तो आ गया, पर हमारे घर पे डिनर करने की क्या जरूरत थी? और सुनीता को भी उसे डिनर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर वही सब कुछ, उसको हक करके गाल से गाल मिलाकर मिलने की क्या जरूरत थी? सुनीता बार बार ये क्यों भूल जाती है कि अब वो शादीशुदा है? पहले भी जब उसने अपने दूर के कजन को बुलाया था तब भी मैंने उससे कहा था कि मुझे तुम्हारे कजन का हमारे घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ही बताइए, सुनीता का क्या मुझसे लड़ना ठीक था? मैं उसका पति हूँ, मेरी पसंद नापसंद को समझना उसकी जिम्मेदारी है। अगर मैंने कुछ पूछ लिया कि फोन पर किससे बातें कर रही हो, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? मेरा हक है उस पर। ठीक है, ऑफिस में अपने कुलीग से बात करनी पड़ती है, पर काम से काम रखो ना। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है बताने की? घर पे सब कैसे हैं? अरे तुम ठीक रहने दोगे तभी तो ठीक रहेगा ना।
घुसे चले जाते हैं लोग दूसरों की जिंदगी में दखल देने। अगर उस दिन राहुल ना आया होता तो मेरे हाथ से सुनीता को थप्पड़ भी ना पड़ा होता। लेकिन सुनीता भी कम थोड़ी ना थी, मैंने उसे एक थप्पड़ मारा तो उसने मुझे दो मार दिए। पर सुनीता का ये कहना कि मैं जिसे चाहे बात करूं, जिसे चाहे मिलूं, जिसे चाहे घर पर बुलाऊं, तुम्हें इससे क्या? क्या क्या कहा उसने? मुझे इससे क्या? और किसे मतलब हो सकता है? पति हूं मैं उसका, बेइंतहा प्यार करता हूं उससे। नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए था सुनीता को। 5 साल के बाद भी अगर वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाई तो कब समझेगी? किसी से भी मिलूं, किसी को भी घर पर बुलाऊं, आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? राहुल को उसने अपने आप को छूने कैसे दिया? अब सुनीता का शरीर गंदा हो चुका था, राहुल ने उसे छूकर गंदा कर दिया था। मुझे किसी भी तरह उसे साफ करना है, किसी भी तरह। उसकी चुन्नी से जब मैंने उसके गले को साफ करने की कोशिश करी तो उसको भागने की क्या जरूरत थी? सुनीता, मुझे साफ करने दो। सुनीता, तुम्हारा शरीर बहुत गंदा हो गया है, तुम्हारी गर्दन पर देखो राहुल के निशान है। मुझे साफ करना है सुनीता, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। मुझे सुनीता को दबोचना ही पड़ गया, वो मान ही नहीं रही थी, क्योंकि जब तक मैं उसका गंदा शरीर साफ नहीं करता मैं उसे कैसे हाथ लगा सकता था? पता नहीं क्यों बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी देर बाद उसने कोशिश करनी बंद कर दी। अब वो जमीन पर आराम से लेटी हुई थी, जैसे कितनी चैन की नींद सो रही हो। अब मैंने भी आराम से उसके शरीर के एक एक अंग को साफ करना शुरू कर दिया, पर बार बार रगड़ने से भी राहुल के छूने के निशान जा ही नहीं रहे थे। मैं क्या करता? मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी सुनीता के वो शरीर का हिस्सा ही काट दूं जिसे राहुल ने छुआ था। किचन से सबसे बड़ा चाकू लाकर सबसे पहले जब मैंने उसकी हथेली काटनी शुरू करी तो सुनीता कुछ नहीं बोली, उसने चूं तक नहीं की। मैं समझ गया कि मेरी सुनीता मेरे दिल की बात जान गई है, नहीं तो भला वो थोड़ा सा खून आने पर भी चिल्ला पड़ती थी। हथेली काटनी बहुत जरूरी थी, सबसे पहले राहुल ने हाथ ही तो मिलाया था मेरी सुनीता से। जैसे ही उसकी हथेली काटी, मुझे उसके कंधे पर भी राहुल के छूने के निशान दिखाई दिए। मुझे उसका कंधा भी काटना पड़ा। इस तरह जहां जहां राहुल के निशान दिखे वो अंग काटने शुरू कर दिए मैंने। तकरीबन 10-12 अंग काटने के बाद मुझे एक अलग सुकून मिलने लगा। वो खून की खुशबू, उसकी गर्माई का एहसास, वो हड्डियों को काटने की आवाज, क्रच क्रच क्रच, मुझे एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुनीता अब मेरी होती जा रही है और साता मेरी होती जा रही है। अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई अपनी गंदी नजर उस पर नहीं डाल सकता। अब मैं जैसा कहूंगा मेरी सुनीता वैसा ही करेगी, क्योंकि अब मैंने एक एक करके उसके सभी अंगों को काटना शुरू कर दिया। जो जो अंग मैं उसके शरीर से अलग कर रहा था वो अंग अब सिर्फ मेरे होते चले जा रहे थे। ऐसे करते करते मैंने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। अब बचा था तो सिर्फ उसका प्यारा सा चेहरा, उसका सर। अब मैंने अपनी सुनीता की गर्दन को धीरे धीरे काटना शुरू किया। कितनी सुंदर, बिल्कुल मखमल की तरह उसकी गर्दन काटते वक्त मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। सुनीता को अपना बनाने में मुझे अपनी भूख प्यास का पता ही नहीं चला।
2 दिन लग गए उसके अंग अंग को साफ करने में। सुनीता को भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से पुराने अखबार और पोछा लेकर आया और सारे फर्श पर बिखरा हुआ खून साफ कर दिया। पहले फर्श को साफ करना था, फिर सुनीता को भी तो बढ़िया से नहलाना था। फर्श साफ करने के बाद उसके 36 टुकड़ों को एक एक कर मैं बाथरूम में ले गया। सभी टुकड़ों को खूब अच्छे से साबुन से धोया, उसके लंबे लंबे काले घने बालों को शैम्पू किया, ड्रायर कर सुखाया। बस अब माथे पर एक बिंदिया लगानी रह गई थी। अब मेरी सुनीता बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे शादी की रात पर, बिल्कुल पाक और साफ। पिछले 5 दिनों से हम अपनी उसी पुरानी दुनिया में हैं। क्या क्या पूछा आपने? अभी कहाँ है सुनीता? यही तो है मेरी सुनीता, मेरे साथ बिस्तर पर लेटी हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी हाल फिलहाल के हादसों की याद दिलाएगी। क्या साइकोलॉजी होती है ऐसे कातिलों की? क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं? जो हादसे हमारे लिए खौफनाक होते हैं, उनके लिए वही उन्हें सुकून देते हैं। अगर आपको पता लगे कि शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा ही साइको किलर है, तो एक बार तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर ऐसे साइको किलर आम दुनिया में आम इंसान जैसे ही दिखते हैं। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास नजर रखना भूलिएगा नहीं।